भ्रष्टाचार रूपी कलंक का अजब गजब गाथा। गोला प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में लूट का खुलासा। रामगढ़ लोकपाल डॉक्टर सुदेश्वर प्रसाद सिंह ने जांच के बाद की घोटाले की पुष्टि। मनरेगा योजनाओं में घोटाले की शिकायत पर मनरेगा लोकपाल ने गोला प्रखंड वीडियो को दिया था जांच रिपोर्ट देने के आदेश। रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और बिचौलिया ने मनरेगा योजनाओं में किया लाखों का घोटाला। ढोबा का निर्माण हुआ ही नहीं और निकाल लिए गए रुपए। खेल मैदान का समतलीकरण निर्माण हुआ ही नहीं और निकाल लिए गए करीब 2 लाख रुपए। जांच करने पर घोटालेबाज मनरेगा कर्मियों में मच गई है हड़कंप। लाभुक की शिकायत पर लोकपाल ने गोला वीडियो संतोष कुमार को लेटर जारी कर स्थल की जांच कर 21 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी। योजना पूरी दिखाकर लगभग 2 लाख रुपए की निकासी की गई। इन दिनों गोला प्रखंड में मनरेगा योजना में भारी लूट मची हुई है। जब से वीडियो संतोष कुमार जी आए हैं, इनके कार्यकाल में तो लूट का रिकॉर्ड बन रहा है। आए दिन बिना डोभा निर्माण का है पैसा निकासी हो जा रही है। आए दिन बिना खेल मैदान बने लाखों रुपया निकासी हो जा रही है। लाभुक बकरी सेट, गाय सेट अपने से निर्माण कराया जाता है और फिर उसकी राशि, जो सामग्री की राशि है, उसे सप्लायर द्वारा फर्जी बिल वाउचर भर के उसके माध्यम से निकाली जाती है और आपस में बंदर बांट कर ली जाती है। हमें सरकार से उम्मीद है और प्रशासन से भी उम्मीद है कि ऐसे वीडियो पर तत्काल निलंबित कर जांच करने की कृपा करें ताकि आने वाले समय में मनरेगा लूट में कमी हो सके। हमारे पंचायत सोसो कला के अंतर्गत ग्राम सोसो खुर्द में खेल का मैदान निर्माण कराना था, जो कि मनरेगा के तहत बनने वाला था और उसमें खेल का मैदान का निर्माण हुआ भी नहीं है और लगभग 2 लाख रुपयों का निकासी किया गया है। और अभी हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ मैदान में सिर्फ जोत को छोड़ दिया गया है। और हम लोग को जब पता चला, जब हम लोग ऑनलाइन में देखें, तो इसमें जिला प्रशासन से हम ग्रामवासी मांग करते हैं और झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं कि इस पे उचित कार्रवाई किया जाए और जो भी इसमें संलिप्त है उसको प्रशासन के तहत उसको जेल में डाला जाए। ब्लॉक से अब दिन आये हल हाँ तो बोल थन कि तोहर खाता ने काचा भेजला ही से तो हमहू गली बैंक तो काचा मैंने कि देख गई तो रह काचा तू बोल थन कि नहीं से डोभा काचा लाई से दूसर के लागे से दे दा 250 रखा और मैंने काचवा दे दाई तखन हम इन मैंने कि निकल के यार काचवा दे दिल गए वो डोभा के रह तो हमरे खाता हमरे डोभा काचा रहे तो नहीं हम इन जाना हलिए और मैंने हमारे पति के नाम ने रह डोभा तो मैंने हल्का फुल्का पहले जानल रही हम नहीं जान लिए कि पूरा पास हेल है से और हम इन कोड़ेबो नहीं कर लिए यार जानकारियो नहीं रहे तो हम इन नहीं कोड़े लिए और हमारे काचा मैंने कि डोभा से आधा निकली गया है तो मैंने कि कहूँ कोड़ेले नहीं यार कोई अत हम केना दिखाई देवे हमारे जमीन में कहीं डोभा ही न खे तो हम केना दिखाई देवे ओकरा तो मैंने काचवा कैसे आधा निकली गए हम कोड़ेलो नहीं खिए से तो मैंने कि ले मैंने कि हमें रामगढ़ ने अवधान दिला ही मैंने कि जांच करवे तो है। मालती देवी की तरफ से एक आवेदन प्राप्त हुई है जिसमें डोभा निर्माण करना था और वह डोभा निर्माण हुई ही नहीं है, जबकि राशि निकासी हो चुकी है और इसकी जानकारी उनको तब हुई जब उनके अकाउंट्स में पैसा भेजा गया और पैसा वसूली के लिए पुनः जो है रोजगार सेवक आया और 20% छोड़ करके 80% अपना पैसा लेकर के चला गया। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वहां पर तो डोभा निर्माण हुई ही नहीं है। और दूसरा उद्देश्य जो था, सोसो पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण की गई और उसमें लगभग 2 लाख रुपए खर्च की गई है और जब स्थल निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर किसी भी तरह का खेल निर्माण का
चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए जुताई हुई है और समतलीकरण के नाम पर लगभग 2 लाख रुपया निकाला जा चुका है। तो उसका वेरिफिकेशन मैंने किया, जांच पड़ताल किया, जो बिल्कुल लगता है कि भ्रष्टाचार का वह घर बन गया है। हमारा उद्देश्य कार्यक्रम को देखना है, यहाँ जो प्रोग्राम में चल रही है उस चीज़ को देखना है और देखने के बाद इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।